राजकुमारी चित्रा राजकुमार बिंदुसार से प्रेम नहीं करती, उनसे विवाह नहीं करना चाहती है। वे राजकुमार भद्र केतु से विवाह करना चाहती है। और ये बात राजकुमारी चित्रा के माता पिता जानने के पश्चात भी उन्हें वो राजकुमार बिंदुसार के साथ विवाह करने के लिए विवश कर रहे हैं, ये भूल है, ये अनुचित है। मैं भी उनसे जाकर बात करती हूँ। नहीं माँ, इसका कोई लाभ नहीं। राजकुमारी चित्रा ने अपने पिताश्री से इस विषय में बात कर ली, किंतु उनके पिता ने कहा कि वह निर्णय ले चुके हैं, अभी विवाह होकर ही रहेगा और उनके समक्ष कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। किंतु माँ, एक मार्ग है, यदि राजकुमार बिंदुसार स्वयं इस विवाह के लिए मना कर दे तो कुछ हो सकता है। माँ आप कुछ कीजिए ना। उनसे राजकुमारी चित्रा की ये दशा देखी नहीं जा रही है, और सच्चे प्रेम के महत्व को आपसे अधिक कौन जानता होगा माँ। मुझसे दो प्रेमियों का इस तरह अलग होना देखा नहीं जा रहा है। आप सत्य कह रही है धर्मा, मैं अवश्य कुछ करती हूँ। यदि राजकुमारी चित्रा राजकुमार भद्रकेतु से प्रेम करते तो उनका विवाह भी उन्हीं के साथ होना चाहिए, ना कि राजकुमार बिंदुसार के साथ। और यदि यही मार्ग है तो यही उचित होगा। मैं जाके राजकुमार बिंदुसार से बात करती हूँ, कदाचित वो मान जाए। मैं अभी जाके उनसे बात। राजकुमार बिंदुसार से नहीं, महाराज से इस विषय में बात करनी चाहिए। पुत्री, राजकुमार बिंदुसार बाहर से चाहे जितना भी कठोर क्यों ना लगे, मुझे ज्ञात है कि वो भीतर से नर्म है, वो भावुक है, मुझे विश्वास है। यदि राजकुमार बिंदुसार को ये जानकारी मिली कि राजकुमारी चित्रा उनसे प्रेम नहीं करती, उनसे विवाह नहीं करना चाहती है, तो कदाचित वो स्वयं ही इस विवाह से मना करते। मैं चाहती हूँ राजकुमार बिंदुसार से बात करके आती हूँ। आप जगत चित्रा का ध्यान रखिए। चल चल। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि आपकी उपस्थिति से भी हमें आपत्ति है, कृपया करके यहाँ से चली जाइए। राजकुमार बिंदुसार, आज प्रश्न आपका या मेरा नहीं है, उचित यही होगा कि हम अपनी व्यक्तिगत बातें एक ओर रखकर उनके बारे में सोचें जिनका जीवन आज दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि इस विवाह में प्रश्न तो उस लड़की की स्वीकृति का है जो आपसे विवाह करने जा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है आपका? राजकुमार बिंदुसार, कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, परंतु राजकुमारी चित्रा आपसे प्रेम नहीं करती है, वो तो राजकुमार भद्रकेतु से प्रेम करते हैं, उनसे विवाह करना चाहती है। हाँ राजकुमार, आज राजकुमारी चित्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज उनका विवाह होने जा रहा है, परंतु उनका विवाह आज राजकुमार भद्रकेतु के साथ होना चाहिए, ना कि आपके साथ। वो तो बेचारी अपना साहस भी नहीं जुटा पा रही है कि वो अपने माता पिता का विरोध कर सके, वो ये विवाह विवशता में कर रही है। राजकुमार बिंदुसार, इस समस्या का निवारण आप ही कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप इस विवाह को होने से रोक दीजिए, मना कर दीजिए। आप, मैं आपसे विनती करती हूँ, तो प्रेम करने वाले व्यक्ति को अलग मत होने दीजिए। राजकुमार भद्र के तो आपके भाई है, और वो भी चित्रा से उतना ही प्रेम करती जितना कि राजकुमारी चित्रा उनसे। सब है, और कितने रचेंगी आप? क्या आप मेरी माँ नहीं है? मेरी माँ होने का केवल स्वांग रचती है, महाराज के सामने ऐसे स्वांग रचती है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरी कितनी परवाह करती है, मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरी छोटी माँ है, कदापि नहीं है ऐसा। आप स्वार्थी हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं आप, जो अपने स्वार्थ के लिए सब करती हैं। और क्या चाहती हैं आप? हाँ, चाहती क्या है? कि मैं मगध में आए सभी अतिथियों के मध्य जाकर ये कह दूं कि मुझे ये विवाह नहीं करना, ताकि सबके समक्ष मेरा उपहास हो, ये चाहती हैं आप? उस भद्र केतु के लिए मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा का बलिदान दे दूं, ये चाहती हैं आप? ताकि लोग ये कहें कि ना राजकुमार बिंदुसार युद्ध करने के लिए सक्षम है, और ना ही अपनी पत्नियों को वश में। परंतु पुत्र, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आप जितनी बोली, जितनी अच्छी दिखती है ना बाहर से, ऐसे प्रश्न करती हैं जैसे महल में आपको सबकी कितनी परवाह है, किंतु मैं जानता हूं कि आप ऐसी नहीं है। आपके भीतर कितना विष मिला हुआ है, वही विष जो आपने मेरी माँ मेरे जीवन पर फैला चुकी है। राजकुमार बिंदुसार, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज ये प्रश्न आपका और मेरा नहीं है, हमारी व्यक्तिगत बात को हमें एक ओर रखना होगा, और चित्रा और भद्रकेतु के विषय में सोचना होगा। राजकुमार भद्रकेतु आपके भाई है, और वो चित्रा से प्रेम करते हैं, और चित्रा भी उनसे प्रेम करती है। आप राजकुमारी चित्रा के साथ विवाह करने के विषय में कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, उचित है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या प्रत्येक राजाओं के अनेक विवाह होते हैं जिसके पीछे राजकीय कारण होते हैं? और क्या आपको स्मरण है कि पिताश्री ने आपसे विवाह क्यों किया? आप तो उनके परम शत्रु की पुत्री थी, जिसे पराजित करने के पश्चात उन्होंने आपको यहाँ पर जीत कर लाया है, और अपने राज्य के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए उन्होंने आपसे विवाह किया, किसी प्रेम के लिए विवाह नहीं किया। और जब मैं भी वही कर रहा हूँ तो उसमें अनुचित क्या है? विवाहित हैं आप हमारे पिताश्री से, तो उसी अनुसार आचरण भी कीजिए। मैं मंडप जाऊंगा और चित्रा से विवाह भी करूंगा। ये जो प्रेम जैसी बातें हैं ना, केवल पुस्तक तक सीमित है, इनका वास्तविक में कोई अर्थ, कोई संबंध नहीं होता। प्रेम इंसान को दुर्बल बनाता है, जैसे मेरे पिता को बना दिया है।
किंतु मैं दुर्बल नहीं। मेरे पास हृदय नमक कोई वस्तु नहीं है। प्रेम मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखता, इसलिए मैं ये विवाह करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है राजकुमार बिंदु सर, यदि यही आपका निर्णय है तो फिर मैं भी आपको वचन देती हूँ कि यदि मुझे अपने संतान के विरोध भी जाना पड़े तो भी मैं ये विवाह होने से रोकूंगी। ये विवाह मैं रोके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये विवाह रुक गया तो कार्तिकी और एलिस का विवाह फिर रुक जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जाकर हेलना को बताना होगा। माँ, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिंदु सर भैया कहीं नहीं भागने वाले। राजकुमार कहीं भाग रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो क्या है ना कि विवाह का माहौल है तो इसे मजाक करने की आदत है। मैं अभी आई। अडोनिस, तुम मेरे साथ चलो। बेवकूफ, ये क्या कर रहे थे तुम? कभी तो मौके की नजाकत को समझा करो। कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तुम। माँ, आपने तो बोला था बिंदु सर भैया का ध्यान रखने के लिए। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। आप बेबी का भैया वो वहीं है। तो तुम बिंदु सर को छोड़कर यहाँ आ गए? अडोनिस, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक पल के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ना था। अब जाओ। ये तो मुझे याद नहीं रहा। मैं अभी जाता हूँ। जाओ। अरे अडोनिस, रुको ना, कहाँ जा रहे हो? ये पकड़ो। चलो ना, एलिस और कार्तिकी को मंडप में साथ में देखते हैं। ये नंदिनी अंततः अब तक है कहाँ? आई क्यों नहीं? चंद्र, मुझे क्या पता कि नंदिनी कहाँ है? मुझे तो केवल इतना पता है कि पिछली बार की तरह इस बार इस विवाह में कोई नाटक नहीं होना चाहिए। एलेना, पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो नंदिनी के कारण नहीं। पिछली बार जो हुआ उसका कारण बिंदुसार था, और उसका कारण था वो परवरिश जो आपने उसे बचपन से दी थी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जब बिंदुसार सत्य से अवगत है तब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी नजर में ना चंद्र, लेकिन पूरा सच तो यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। शर्मा, राजकुमारी आप यहीं रुकिए, मैं देखकर आती हूँ। चंपानगर की महारानी पूछ रही हैं कि यदि राजकुमारी चित्रा तैयार हैं, तो उन्हें लेकर शीघ्र अति शीघ्र मंडप में आ जाए। बस कुछ ही समय लगेगा, हम आते हैं। ये लो धर्मा। राजकुमारी चित्रा, ये आप क्या कर रही हैं? आप ये जोड़ा मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग शेष नहीं है। धर्मा, तुम ये वस्त्र और आभूषण पहनकर मेरा स्थान लो। नहीं नहीं राजकुमारी चित्रा, मैं ये वस्त्र और आभूषण नहीं पहन सकती। मैं आपका स्थान कैसे ले सकती हूँ? ये छल है, हम ये नहीं कर सकते राजकुमारी। और माँ गई है ना राजकुमार बिंदु सर से बात करने, वे अवश्य कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मा, तुम भी ये बात भली भांति जानती हो कि राजकुमार बिंदुसार महारानी नंदिनी से कितनी घृणा करते हैं। मुझे पता है कि राजकुमार बिंदुसार महारानी नंदिनी की बात कभी नहीं सुनेंगे। मैं तुम्हें ये वस्त्र पहनकर राजकुमार बिंदुसार से विवाह करने के लिए नहीं कह रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये वस्त्र पहनकर यहाँ बैठ जाओ और मैं इस महल से निकल जाओ। महल से बाहर? आपका क्या तात्पर्य राजकुमारी?
यही धर्मा। चीज के अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं महल छोड़कर भद्र के पास चली जाऊंगी। और धर्मा, मैं तुम्हारे और भैया के भांति महान नहीं हूँ कि किसी अन्य के लिए अपने प्रेम को त्याग मैं तुम्हारे और कार्तिक के भैया के बारे में सब जानती हूँ। कार्तिक के भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने अपने प्रेम के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो प्रेम की महानता तुमसे अधिक और कौन समझता होगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी सहायता करो। किंतु नहीं, मैं तुम्हारी भांति महान नहीं हूँ कि अपने प्रेम के बिना अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँ। यदि आज मेरा विवाह राजकुमार बिंदुसार से हुआ तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, अपने मुख से ऐसी बात मत निकालिए। तुम मेरी सहायता करो धर्मा। तुम ये विवाह का जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ जा और मुझे इस महल से निकलने में मदद करो। जब तक तुम यहाँ बैठी रहोगी मैं तब तक इस महल से निकल जाऊंगी, भद्र के पास चली जाऊंगी, वहाँ से विवाह करने के पश्चात मैं वापस लौट आऊंगी, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, सबका क्रोध भी शांत हो जाएगा। तो तब तक तुम मेरा स्थान लो और इस स्वांग को करो। तुम मेरे लिए स्वांग कर सकती हो ना, मेरी सहायता करो। और जब तुम्हें मंडप के लिए ले जाने के लिए कोई आए तो तब तुम उनसे सारा सत्य कह देना। नहीं नहीं राजकुमारी, ये नहीं होगा मुझसे। तुम्हें तुम्हारे और कार्तिक के भैया के प्रेम की सौगत। मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे बिंदुसार, ये क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुए? चलो बिंदुसार, तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। लेकिन माँ, अभी तो बहुत वक्त है। राजपुरोहित जी ने बिंदुसार भैया को अभी बुलाया नहीं। एडोनिस, माँ ने एक बार कहा ना कि मंडप में चलना है, तो फिर तर्क का कोई प्रश्न नहीं उठता। चलो बिंदुसार। ठीक तो है नंदिनी? हम अच्छा करा। दासी, नहीं, दासी, नहीं, हमें औषधि, हमें हमारे कक्ष तक ले जाओ। ठीक है, संभाली आई। मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र महाराज को बताना ही होगा कि राजकुमारी चित्रा का विवाह उसकी स्वीकृति के बिना हो रहा है। अब वही जो ये विवाह को रोक सकते हैं। अडोनिस, तुम बिंदुसार को मंडप में लेकर जाओ। मैं कक्ष में कुछ सामान भूल गई हूँ, तो मैं वो लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। चित्रा, ये नहीं हो सकता। नहीं भाग सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अभी के अभी सिपाहियों से कहके इसे पकड़वाना होगा।
बताइए पामा जी, कहाँ पर रखी आपकी औषधि? नंदिनी, वो उधर उधर एक लाल रंग की शीशी है छोटी, उसका ढक्कन सुनहरे रंग का है, वहाँ। क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है, कहाँ पर है? अभी सुमन में हमें स्मरण नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता, हम कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाते हैं ना। नंदिनी भाई यहाँ देखो, उसमें दासी सुनिए, मुख्य महारानी की माताश्री का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये अस्वस्थ है, इन्हें कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत ही दीजिएगा। मुझे क्षमा कीजिए पामा जी, परंतु मेरा इस समय महाराज के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। नंदिनी रुको, क्या देख रही हूँ, जाओ यहां से। हेलेना, हेलेना हमने बहुत कोशिश की नंदिनी को रोकने की, पर हम नहीं रोक पाए। अब अगर वो चंद्र तक चली गई तो फिर ये विवाह नहीं हो सकता। तुम तो मंडप से आ रही हो, क्या रस्म शुरू हो गई? अब वो नंदिनी कुछ नहीं कर सकती वहाँ, अब चाहे वो जितना भी दम लगा ले, परंतु ये विवाह तो होकर ही रहेगा। क्या कह रही? हाँ माँ, अभी अभी मैंने धर्मा को विवाह के जोड़े में देखा, वही धर्मा जो नंदिनी की मुंह बोली बेटी है। क्या धर्मा? अगर विवाह के जोड़े में धर्मा है तो फिर चित्रा कहाँ है? माँ चित्रा तो भाग गई। हेलेना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रही हो तुम? चित्रा विवाह से भाग गई, ये बात तुम जानती हो और तुम हंस रही हो? अगर चित्रा वहाँ नहीं है तो फिर बिंदुसार का विवाह किससे होगा? हेलेना आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिंदुसार का विवाह होगा, परंतु चित्रा से नहीं बल्कि धर्मा से। हेलेना, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मा बिंदुसार से विवाह क्यों करेगी, और अगर उसने कर भी लिया तो हमें क्या फायदा होगा इससे? देखिए माँ, अगर धर्मा का विवाह बिंदुसार से हो गया तो वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु फिलहाल धर्मा का मंडप में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका विवाह एक बार बिंदुसार से हो गया तब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, और बिंदुसार को ये बात पता ही नहीं चलेगी कि आखिरकार घूंघट के पीछे चित्रा नहीं बल्कि धर्मा है। इसके लिए माँ मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। क्या आप मेरे लिए पत्र लिख सकती हैं? अरे नंदिनी, तुम कहाँ चली गई थी? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, चंद्र भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, सारे अतिथि तुमसे मिलना चाहते हैं। आज तो आपको मेरे निकट आना ही होगा नंदिनी, बहुत प्रतीक्षा करवाई ना आपने, तो अब देखिए अब मैं आपको कैसे तड़पाता हूँ। महाराज, महाराज मुझे आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। आपको भी मानना पड़ेगा नंदिनी कि आपने सही समय सही स्थान का चुनाव करते हुए आपने चाहा कि अपने हृदय की बात मुझे बता सके महाराज, ताकि मेरी कोई प्रतिक्रिया ना हो, लेकिन मैं पलटकर कुछ ना कह सकूं, सब कह सकूं। महाराज आप समझ नहीं रहे, किंतु अब मैं भी आपको प्रतीक्षा करवाऊंगा, इतनी शीघ्रता से आपको अपनी बात करता नहीं दूंगा। परंतु महाराज ऐसी कोई बात ही नहीं, एक विशेष विधि के लिए आप यहाँ पधारे। जी आए, आज्ञा चाहो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।